वेलकम टू दिस सेशन दोस्तों. अभी हम सीखने जा रहे हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज एंड हम सीखेंगे यहाँ पे अमेजॉन वेब सर्विसेज क्या है, कैसे कन्फिग करते हैं, उसका यूज़ क्या है, अमेजॉन वेब सर्विसेज इतना पॉपुलर क्यों है और कौन कौन सी सर्विसेज अमेजॉन वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सो पब्लिक क्लाउड क्या है? तो पब्लिक क्लाउड एक ऐसा सर्विस है जहाँ पे आप अपना लोकल आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मूव कर सकते हो. जैसे आप आपका सर्वर्स है, लोकल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका यहाँ पे फायरवॉल है, आपका मेल सिक्योरिटी है और आपके वेब होस्टिंग है, मेल होस्टिंग है, तो वो सारी सर्विसेज आप क्लाउडली हैंडल कर सकते हो. सो बेसिकली आपको लोकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ न करना पड़े, आपको वो लोकली आपको जो सर्वर्स बाय न करने पड़े, तो वो सारी फैसिलिटी अमेज़न देता है. और यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे लीडर्स हैं, दूसरे भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे गूगल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अजूर है और सेम एज ए अमेज़न भी है. बट अमेज़न क्यों और कैसे सर्विस देता है, उसका रीज़न ये है कि अमेज़न मार्केट का 95% स्टैक होल्ड कर रहा है और मेजरली सारी कंपनियां फॉर्चून 500 इंक्लूडिंग ऑन अमेज़न वेब सर्विसेज, तो उन सब लोगों ने अमेज़न पे अपने सर्वर्स होस्ट किए हुए हैं और अमेज़न सर्विस भी देता है और साथ में उसका कॉस्ट इफेक्टिव भी है और सस्ता भी देता है. तो आगे देखते हैं अमेज़न और क्या क्या देता है. सो बेसिकली हमको अमेज़न वेब सर्विसेज क्यों लर्न करना चाहिए, तो फर्स्ट रीज़न है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म ऑन द प्लैनेट. फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब कि बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब लास्ट 3 साल में इनका ग्रोथ बहुत है. ऑलमोस्ट मेजरली सारी फॉर्चून 500 कंपनीज आर मूविंग टू AWS एंड देयर सर्वर्स फ्रॉम लोकल टू द AWS बिकॉज इट्स गिविंग द अवेलेबिलिटी 99.99%. तो ये लोग गारंटी लेते हैं कि इनकी अवेलेबिलिटी 99.99% रहती है और ये फास्ट भी है. दूसरा है कि लार्जेस्ट पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑन द प्लेनेट. ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लोग मूव हो चुके हैं और यहाँ पे ये 95% जो इंडस्ट्री का स्टैक है जो अमेज़न के पास है. बहुत सारी कंपनियाँ मूव हो रही है, जैसे मैंने बोला कि मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन आर मूविंग टू योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू AWS. दूसरा है कि सिक्योरिटी देता है, हर कंपोनेंट का सिक्योरिटी लेवल उसने अपने हिसाब से डिफाइन किया है और सिक्योरिटी आपको मतलब कि लोकली आपको जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट रखना पड़ता है वो यहाँ पे रखना नहीं पड़ेगा और सारी कंपोनेंट सिक्योरिटी और ग्लोबली सिक्योरिटी उनको ने ध्यान रखा हुआ है. तो अभी हम देखते हैं कि AWS में क्या है, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं और कैसे वो लोग अलग अलग कंपोनेंट को मैनेज करते, तो वो अभी हम पूरे अपने सेशन में देखेंगे. तो प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस इसके अंदर नेटवर्किंग देता है, कॉम्प्यूट करते हैं, तो कॉम्प्यूट में आप अपना पूरा वर्चुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो, अपना खुद का मशीन वर्चुअली क्रिएट कर सकते हो, सर्वर्स क्रिएट कर सकते हो. स्टोरेज में आप उसको स्टोर क्या कैसे कर, जैसे S3 सबसे बड़ा सर्विसेज है तो ऑब्जेक्ट बेस्ड सर्विस स्टोर करते हो. डेटाबेस के अंदर आपको कौन कौन से डेटाबेस रखने हैं, DynamoDB है, RDBMS है, मैनेजमेंट टूल, सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी एंड एनालिटिकल्स एंड मोबाइल सर्विसेज, डेवलपर टूल्स, एप्लीकेशन सर्वर. तो ये सारे डिफरेंट सर्विसेज है टू मैनेज योर एप्लीकेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. एंटरप्राइज एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी सपोर्ट करता है. तो गाइज ये डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज यहाँ पे अमेजॉन प्लेटफॉर्म पे मिलती है और ऑल सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलते हैं. अभी हम अपने ट्रेनिंग में पूरा AWS एंड टू एंड देखेंगे और समझेंगे इन हिंदी. स्पेसिफिक हिंदी में डिज़ाइन किया हुआ है कि कुछ लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, तो हम यह कोर्स हिंदी में डिज़ाइन किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके. अगले लेक्चर में हम चालू करेंगे इसके कंपोनेंट लेवल पे लर्निंग का. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.